अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस, आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफी। तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों बाद आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो लोगो लेके आया हूँ, कूल मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन। तो आप इसको शील्ड लोगो डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। तो शील्ड की मदद से इसको जो है मैं क्रिएट करूँगा, और फर्स्ट टाइम इस लोगो को क्रिएट करने जा रहा हूँ, और बहुत मज़ा आने वाला है इस लोगो को क्रिएट करके। तो गाइस, माइंड में आइडिया या सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ, तो ये भी आप लोगों को बताना चाहिए कि आप शील्ड की मदद से जो अपना लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो शील्ड के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। तो बट कोई नहीं, जिनको नहीं पता तो उनको पता चल जाएगा जब वो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, और उनको पता चल जाएगा कि शील्ड लोगो हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ताकि आप लोग का इस लोगो को पूरा कंप्लीट समझ सके। सो गाइस, आप करें वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शील्ड को रेडी करते हैं। आप लोग को बता देता हूं कि शील्ड क्या चीज़ है। ठीक है, तो शील्ड कैसे क्या रेडी करने हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गोल कर्सल को लेना है। ठीक है, गोल कर्सल को लेके यहां पर ड्रॉ कर देना है। ओके, और इसका डुप्लीकेट करेंगे। ओके, अब इसको आपने क्या करना है गाइस, पहले लाइनमेंट कर देना है। लाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे एक लाइन हमने क्रिएट करनी है। ओके, तो आपने ये वाला स्केच रेडी कर लेना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद शेप टूल को लेना है, और यहाँ पे हमने कोई भी जो है फिल करें नहीं, डिलीट 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 डिलीट। तो ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अब इसको हमने एक साइड पे लेना है, एक्स्ट्रा को रिमूव कर देना है। तो गाइज, इसको बोलते हैं शील्ड। तो गाइज, आपको ये इंटरनेट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद रेडी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह इसको ईजी मैथड के साथ जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शील्ड। आपने अक्सर देखा होगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लोगो होते हैं, वो इसी शील्ड में जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्रिएट होते हैं, इस तरह के बने होते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैंने बता दिया कि शील्ड लोगों को कैसे क्रिएट करते हैं, शील्ड को कैसे रेडी किया जाता है। ओके, दैट्स फाइन। अब हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और लाइन को हम इसके बीच में लेके आएंगे। ओके, दैट्स गुड। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको अलाइनमेंट कर देंगे। ओके, डैट्स गुड। और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों ने इसको क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। इसकी वैल्यू को आपने क्या करना, सॉरी, इसको हमने करना गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। इसकी वैल्यू को कम कर देंगे। ओके, डैट्स गुड। तो भाई, यहाँ पे आप देख नहीं रहे यार, आप कुछ भी नहीं बताते मुझे कि यार सर आपसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लें। चले, कर ही लिए, तो ये डुप्लीकेट हो गया, कोई बात नहीं। बिल्कुल परफेक्ट आपने गाइस जो है इसको करना है। दोबारा गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। इसकी वैल्यू को कम कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट। जब तक आपका परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका लोगो जो है वो परफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको ट्रांसफार्म में जाके 60 के एंगल पे रोटेट कर देंगे। आप इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ट्रांसफार्म में जाके, रिफ्लेक्ट में जाके, तो डन। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको हम जो है वो 90 के एंगल पर रोटेट कर देंगे। और यहाँ पे अब आप लोगों ने कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो शील्ड है हमारा, इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, यहाँ पे यार इसकी थोड़ी सी आपने सेटिंग कर लेनी है ऊपर, इस तरह बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है सेकंड वाले को, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप लोगों ने देख लेना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो परफेक्ट हुआ तो बस ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओके, डन। तो गाइस, ये था, ये है शील्ड, और इसकी मदद से हमने करना है लोगो को क्रिएट। एक शील्ड को मैं यार यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है थंबनेल पे लगाने के लिए।
ओके तो गाइस सेम आपने ये वाला स्केच रेडी कर लेना, इसकी वैल्यू को कम कर लेना ताकि आप लोग को समझ आ सके। इसकी वैल्यू को मैंने इसलिए कम किया कि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ सके। अब बात ये आती है कि मैं आप लोग को ये तो बताना ही नहीं भूल गया हूँ कि मैं करने वाला क्या क्रिएट हूँ इसमें, कि कौन से वर्ड दो जो है वो मैं इसमें क्रिएट करूँगा। बट कोई नहीं, आप लोग देखो फिर आप लोग को समझ आएगी ना। ऐसे आप लोग भी कहते हैं पता नहीं क्या आज इस तरह क्रिएट करना। हाँ तो भाई सारा आप लोगों को मेथड बताऊंगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं M को क्रिएट करने वाला हूँ। किसको? M को क्रिएट करने वाला हूँ। ओके डैट्स गुड। तो M को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, कहाँ से? यहाँ से M को स्टार्ट करना है भाई। अब आप लोगों ने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना यार। आपने स्केच जो रेडी कर लिया उसके बाद जो है आप लोग को समझ ही ना आए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना और इसको फिनिश कहाँ पे करना, तो ये भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोग को सारी समझ आ सके, ठीक है? तो अब हमने M को क्रिएट करना है, तो M को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे भाई, यहाँ तक लेके आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे। ओके यहाँ तक आप मैं लेके आऊँगा इसको। तो गाइस आपने क्या करना कि भाई केयरफुल रह के अपना वर्क करना, जो भी करना है केयरफुल रह के करना, ठीक है? ये ना हो अपना लोगो आप लोग ख़राब कर लो। ख़राब नहीं करना भाई, इसको बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है? एक एक चीज़ को आप लोगों ने देख लेना। यहाँ पे ये है थोड़ा सा पंगा ही है, बट कोई बात नहीं, इसको करेंगे क्रिएट इंशाल्लाह, ज़बरदस्त होगा। मैं साथ साथ इसको कर रहा हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ, आप लोगों को समझ भी आ सके। जल्दी जल्दी माउस जो है वो प्रेस कर रहा हूँ ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। इसको यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ तक आएगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि केयरफुल रह के आपने वर्क करना है, ये ना हो अपना लोगो जो है आप लोग ख़राब कर लो। ये चीज़ जैसे जैसे स्केच होता है ऐसे ही इसको क्रिएट करना है, ठीक है? यहाँ तक इसको ले गए, इस यहाँ तक ये हो गया। ओके और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको आपने खुद देख लेना है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना बन जाए भैया आप लोगों के, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल ओके है। अब मैं सेकंड वाला क्या करने वाला, M मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं किसको क्रिएट करने वाला हूँ, चले मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। G को क्रिएट करने वाला हूँ, चले आप लोगों को बता देता हूँ। G को क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है? यहाँ तक लेके आना है और इसको यहाँ पे ऊपर ले जाना है, ठीक है? और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है आप लोगों ने, यहाँ तक इसको आपने फिल कर लेना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने करना है, ठीक है? ये थोड़ा सा इसको भी फिल कर लें आप लोगों ने। इसको भी फिल करना है, ठीक है? ये ना हो इसको छोड़ दें आप। ओके ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा ये आइडिया लगा है, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए, अच्छा लग रहा है। सॉरी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और वीडियो नहीं बना पाया, बट कोई बात नहीं, आज सारी कसर पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने जी को यहाँ तक भाई लेके आना है, यहाँ तक, ठीक है? ये चीज़ अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर ले, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर ले, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मेथड आप लोग को दोनों बता दिए, ये इस तरह करेंगे थोड़ा सा जो वो स्टाइलिश हो जाएगा, उस तरह थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ओके तो गाइस मेरा लोगो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो शील्ड लोगो जो है कूल मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मेरा लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अनग्रुप करेंगे गाइस, ज़बरदस्त एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर देंगे और लोगो आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बट अभी काम हमारा फिनिश नहीं हुआ, अभी मैं थोड़ा सा इस पर वर्क करूँगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गाइस ऐसे फिल कर लेना है, करने के बाद एक्सपेंड कर लेना है, एक्सपेंड करने के बाद इसको मर्ज कर लेना है। अब पाथफाइंडर बोलते हैं या मर्ज बोलते हैं जो भी हैं,
अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, सो इसलिए हमने गोल कर्सर को लेना है और यहाँ पे इसको गोल कर्सर को थोड़ा सा यूं क्रिएट कर लेना है। करने के बाद इसके बीच वाले कलर को ऑफ कर देंगे और इसमें रेड कलर कर लेंगे। रेड में इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ सके। तो इसकी कुछ यूं आपने सेटिंग कर लेनी है और इसी तरह ही आपने डुप्लीकेट करके एम की भी यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। ओके, अब इसको आपने अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल लग रहा है। अगर आप इस तरह का रखना चाहते हो तो इस तरह भी रख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, इस तरह, चले मैं पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्मॉल कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दो जो है वो आइडिया दे दूँ, ठीक है। ऐसे भी आप रख सकते हैं इसको और ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको आपने रिमूव कर देना है। ये देखें ये चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं। तो अब ये गाइस आपके पास टू आइडिया हैं, अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हैं सिंपल रख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हैं वैसे भी, दोनों ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बट मेरे माइंड में जो आइडिया था और जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था वो ये वाला, जो यहाँ पे जो जिस पे मैंने गोल कर्सल जो है वो यूज़ किया, ये वाला मैं करना चाहता था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड को क्रिएट करना है। बहुत मज़ा आया आज गाइस इसको क्रिएट करने में। अब आप लोग ने अपना फेवरेट कलर कर लेना है और उसमें आपने ग्रेडियंट कलर कर लेना है, ठीक है। मैं तो फिलहाल वैसे ही ये कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे आप वही कीजिएगा। अब यहाँ पे आप, ये मेरे पास उर्दू आ गई है, अच्छा, टैग लाइन हेयर, तो गाइस आप यहाँ पे आप अपना कंपनी नेम, टैग लाइन वगैरह जो भी लगाना चाहें, वो ब्रांड नेम जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो गाइस जिसका ये जी और एम ब्रांड या कंपनी नेम बनता है उनके तो आज मज़े, उनको आज मैंने आइडिया बता दिया कि आप शील्ड की मदद से अपना लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस आप ही से बात करूँ, आप इधर उधर देख रहे हैं, पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, ब्लैक या रेड जो भी है, बस उसको आपने प्रेस करना है और साथ ही बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस अगर आप अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी का लोगो मेरे से क्रिएट करवाना चाहते हैं तो ईमेल दिया हुआ वहाँ पर आप जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की कंपनी का लोगो जो है वो क्रिएट कर सकूँ, या कोई डिज़ाइन क्रिएट करवाना चाहते हैं वो भी आपको करवा करके दूंगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस लोगो को लेके आप लोगों को कैसा लगा यार, कमेंट ज़रूर किया करें कि आप, मुझे पता चले कि मेरा लोगो जो है आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरह का बहुत सारे लोगो लेके आऊँगा। और अगर आप लोगो मेकर बनना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जाकर उनको देखो, इन्जॉय करो और कुछ सीखो और आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, सॉरी उसके लिए, बट इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि यार डेली के डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है सिखाऊँ। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।